उनको बताया था आज यहाँ पे जल्लो पार्क जा रही हो? किसी को भी नहीं बताया? कब बताओगी? जब स्कूल खुलेंगे? छुट्टियाँ हैं अभी तो, सारे बच्चे छुट्टियों पे हैं और जब स्कूल खुलेंगे तो सारे के सारे आपस में एक दूसरे को बताएंगे कि हमने हाँ इतनी पिकनिक की, हम जल्लो पार्क गए, वहाँ पे जाके हमने इंजॉय किया। पीछे एक और पापा बैठे हुए इस बच्ची के। अस्सलाम वालेकुम। कितने बच्चे हैं? 3। ये सबसे छोटा जी? नाम बताइए बच्चों। अब्दुल मोमिन, अब्दुल मुईज और रुमाना। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं तो साथ साथ आपके भी काम की छुट्टी चल रही है? आज की तो छुट्टी है, फ्राइडे बल्कि संडे। एंजॉय संडे को सिर्फ बच्चों को लेके घूमते हैं? एवरी संडे? एवरी संडे। और कहाँ कहाँ जाते हैं? किड्स लैंड वगैरह, जॉय लैंड। शादी से पहले सोचा था ये लाइफ होगी कि बस बच्चों को घुमाते फिराते रहो एवरी संडे, या फिर मजा आता है बच्चों के साथ बच्चा बन? शादी के लाइफ बाद जो सी लाइफ है वो बहुत अच्छी लाइफ है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है मगर लाइफ एंटरटेन ज्यादा हो जाती है? बिल्कुल जी, बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है। आपकी वाइफ इधर ही बैठी है। डरती है झूला? नहीं, वो बच्चे से क्या नहीं थे, आप सैर कराएं फिर। आप खुद क्या करते हैं? गोल्ड स्मिथ का। ओह लवली, तो चलो अभी फिर आप अपने बच्चों के साथ इंजॉय कीजिए, ये छुटकी आपकी बहुत प्यारी सी है। अच्छा, अब ये राउंड जो है चल तो रहा है मगर ये बहुत धीमी धीमी ट्रेन है, बच्चों वाली ट्रेन है। मुझे तो अपना बचपन याद आ रहा है कि मैं अपने बचपन में भी इतनी हल्की ट्रेन नहीं, मतलब उसमें नहीं बैठती थी। बहुत ज़्यादा जो तेज़ ट्रेन होती थी उसके ऊपर बैठा करती थी। मैं कहती थी डर ही नहीं लग रहा, मज़ा ही नहीं आ रहा, क्यों भाई लोग गलत कह रही हूँ क्या? ये बच्ची मुझे गोद में चाहिए, एक छोटू सी प्यारी सी बच्ची उनकी ना गोद में है, वहाँ पर मुझे वो चाहिए। नीचे आप देख सकते कितने सारे लोग हैं। हेलो, ट्रेन पर आ जाती। ट्रेन में ज़रा भी फन नहीं हो रहा, मतलब एक होता है ना इंजॉय वाली ट्रेन, जब तक चीखे ना निकले। कौन सी वाली चीख मार के दिखाओ? बोलो, करो करो करो, चीख मारो। कैसे मारती हो? जल्दी मारो, शायद नहीं होते। ये देखो, चीख मार के दिखाओ। चीख मारे करो। ऐसी वाली चीख जब तक ना निकलेगा तब तक नहीं पता चलता आपको कि आप ट्रेन में आए हैं। अच्छा, ट्रेन में बैठकर कौन सा गाना याद आता है? ट्रेन में बैठकर कौन सा गाना याद आता है? बहुत सारे गाने याद आते हैं। ट्रेन बोली छुक छुक, रेल बोली समथिंग कुछ, मैं भूल गई हूँ। नान पाव बिस्कुट कुछ इस तरह का था ना। करती गाड़ी आए आगे से मत जाना भाई। इनकी पोएम आती है? नहीं आती। एक तो मेरे साथ जो ये बेबी बैठी है ना बहुत शाये। नीचे आप देख सकते हैं गाड़ियों के रेस, अभी इसके ऊपर भी बैठेंगे हम लोग। ओए जी, ये मोटू वाला बेबी जो है, हेलो शोर मचाती। हेलो, काला काला धुआं उड़ाती, थक 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 शोर मचाती। गाड़ी आई गाड़ी आई, छुक छुक करती गाड़ी आई, आगे से मत जाना भाई। वो रिक्शा देखिए कितना फन कर रहा है, गर्मी में भी रिक्शे फन कर रहे हैं जल्लो पार्क पे। ओए होए होए होए। अच्छा, आपका छोटा भाई हमें क्या करके दिखा रहा है? जिम्नास्ट्री करके दिखाना चाहता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम हमारा है। और इनका? इब्राहिम। और जी सीखते हैं कहीं जिम्नास्ट्री? जी टीचर है इसका। और उम्र क्या है इनकी? 7 ईयर। आप जरा बोले इनको, बोले कि जिम्नास्टिक दिखाए। चलिए इब्राहिम जिम्नास्ट्री करके दिखाएं।
बस बहुत ज्यादा हो गया, थक जाओगे। अरे इतनी अच्छी जिमनास्टिक करते हो तुम तो, बहुत अच्छी। पढ़ाई पे भी इतना ध्यान देते हो? जी जी। अभी तो छुट्टियां चल रही हैं। जी तो छुट्टियों का छुट्टियां एंजॉय करने आ रहे हैं। छुट्टियां एंजॉय करने आ रहे हो। यहाँ पे और क्या करते हो जिमनास्टिक के अलावा? बस यही और पढ़ाई करता हूँ और जिमनास्टिक बस। ओए हो, अभी हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ पार्क में आए हुए हैं और चश्मिश किसका चश्मा लगा रही हो तुम? मेरे पास भी ऐसा चश्मा है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ पार्क में आए हुए हैं और यहाँ पे अभी पहली फैमिली जो है मुझे यहाँ पे बैठी हुई दिख रही है। इनसे ज़रा पूछते कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर दिखाने के लिए अपनी फैमिली अपने बच्चों को लेकर आए हुए हैं। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा ज़रा बताइए यहाँ पे क्या क्या जानवर दिखाने के लिए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए? बहुत सारे परिंदे हैं, मोर हैं और पीकॉक हैं, ये अपना कबूतर हैं, उसके अलावा यहाँ पैरट्स हैं और भी कई किस्म के परिंदे हैं जो बच्चे बड़े शौक से देखते हैं। मैंने एक जानवर यहाँ पे बड़ा सुना है, वो जो शेर का। हाँ हाँ, मैं वो बता रहा था, यहाँ इन्होंने एक फ्लोर रखा हुआ है। ये खास परिंदा है जो जब सर्दियों में, जब गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, तब ये यहाँ पंजाब का रुख करता है। खसूस ये इमयार खां के इलाके में जहाँ पंजनत है, पाँच दरिया जहाँ मिलते हैं, वहाँ ये परिंदा आता है और इसका शिकार करने के लिए सऊदीया से जो शेख हजरात हैं वो खसूसन आते हैं यहाँ। अच्छा। और इसलिए उन्होंने वहाँ हेलीपैड भी बनाया है और वहाँ महल भी बनाए हैं, खसूसन इस जानवर के शिकार के लिए आते हैं। तो पाकिस्तान में बहुत पाए जाते हैं? नहीं, ये सिर्फ उसी विंग में आता है, वही उसी जगह पर, वो जो पंजनत का मुकाम है उसी पर परिंदा आता है ये। और इसका वो शिकार अकाब से करते हैं, अपने लेके आते हैं, खास जो उनसे उनके अकाब होते हैं वो इसको पकड़ता है, फिर उसको लेके आते हैं, इसका गोश्त अकाब से खाते हैं। कितने साल के थे आप यहाँ पे जब से? मैं तो यहाँ से जब ये बना तब भी आ रहा था यहाँ। पूरी फैमिली को लेकर आए? पूरी फैमिली मेरे पीछे बैठी हुई। अच्छा, जब फैमिली के साथ इस तरह से आते हैं, अस्सलाम वालेकुम, जब फैमिली के साथ इस तरह से आते हैं, कोई झगड़ा वगैरह का खौफ का डर होता है कि झगड़ा हो जाए? नहीं नहीं, किसी बाहर से भी इनका आपस में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं, ऐसी दूर दूर तक ऐसी कोई बात नहीं होती। अल्लाह के फजल से बड़े ही फ्रेंडली वे जौन सा है, हम ये पिकनिक मनाते हैं और पूरा दिन का अरेंज किया होता है सुबह से। और एक आपने ये भी हो जाती है ना बच्चों के लिए? जी हाँ, हर एक की जौन सा है वो माइंड फ्रेशनेस हो जाती है जौन से, बच्चे अपना एंजॉय करते हैं, सब कुछ खेले हैं, ये क्रिकेट भी खेल रहे हैं, वो मेरी जौन सी हैं कजन, वो बैडमिंटन भी खेल रही हैं, आम भी खा रहे हैं और भी बड़ा कुछ, सब कुछ जौन से। मेरे साथ मोहम्मद सलमान मौजूद हैं और वो भी ज़रा हमें कुछ इन जानवरों के बारे में बताएंगे। बताइए। जानवर हैं, इनको उर्दू में आम जुबान में हम बारा सिंगा कहते हैं, वैसे इस जो है ब्रीड का नाम है चिंकारा ब्रीड। यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं, इनके लिए इन्होंने बहुत अच्छा एक हैबिटेट के हिसाब से इनके लिए एक इनक्लोज फेंसिस भी बहुत अच्छे लगाए हैं और इनके हैबिटेट के हिसाब से इनको फीड किया जा रहा है और पूरा एक इनके लिए काफ़ी वाइड एरिया बनाया गया ताकि ये अपने इन्वायरमेंट को, अपने नेचुरल बिहेवियर को शो कर सकें। मीन टू से कि उनको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई फियर नहीं है, उनको खाने पीने की कोई वजह है। फाइव फ्रीडम्स, फ्रीडम ऑफ पेन, फ्रीडम ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। सो दीज एनिमल्स गिव वेरी गुड एनवायरनमेंट। तो लोग जो यहाँ आते हैं तो उनको देखते हैं, ज़रा अम्यूज होते हैं, तो इट्स गुड ओवरऑल अ गुड यू कैन से एनवायरनमेंट। ये वाले जो बारा सिंगा सामने हैं बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े साइज़ के, ये इनकी उम्र क्या होगी? आई डोंट नो एग्जैक्टली बट मेरे हिसाब से मुताबिक कम अज़ कम से 10 से 15 साल की एज के हैं। अच्छा, आप भी बच्चों की तरह वैसे इनको देख के खुश होते हैं, इन्जॉय करते हैं इनको, इनको देख? ऑब्वियसली बच्चा बड़ा एक ही बराबर होते हैं, लेकिन एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, कूल लुक मिलती है आउटसाइड द हाउस, क्योंकि घरों में आजकल गर्मी इतनी है, गुड एक कह लें कि एनवायरनमेंट मिलता है आपको इन्जॉय करने का। फैमिली के साथ इस तरह से बाहर निकलना, आउटिंग करना, ये जो गेट टुगेदर ख़त्म हो गई थी फैमिली गेट टुगेदर, मैंने आपको देखा कि अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हुए हैं, तो वैसे नॉर्मली ये आप करते हैं फैमिलीज को लेकर आते हैं? जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है सब फ्री होते हैं, संडे वाला दिन ही एक मिलता है तो उस दिन हम निकल आते हैं। तो इसी तरह ना अमूमन ये होता है कि आपकी एज के जो लड़के हैं वो लड़के मिलके प्लान कर लेते हैं, फैमिली घर में रो रही होती है, उनको कोई टाइम नहीं देते आपकी एज के लड़के, बट यू विद योर फैमिली इज समथिंग वेरी गुड। वैसे जो लोग हैं वो यूजली जल्लो पार्क के बाहर नहर में पाए जाते हैं, जो लोग मेरी तरह फैमिलीज के साथ इंजॉय करते हैं वो अंदर पाए जाते हैं। थैंक यू सो मच, स्वीट ऑफ यू, थैंक यू फॉर योर टाइम।